चलिए अब सीधा आपको यमुनानगर लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे चिकित्सक बंधुगण, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये बहुत ही एक विशेष अवसर है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा ये किस प्रकार से सुलभ तरीके से मिले, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान है या गांव के स्थान है, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मित्रों, भाइयों बहनों, यमुनानगर का यह अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं, 1984 से लेकर 1990 तक। छोटा एक भवन था, भीड़ भाड़ वाला एक क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में, तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था उस समय की एक को सुन रहे थे, जहां पर अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही मनोहर लाल ने बताया कि किस तरीके से 17 जिलों में 229 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाए गए हैं और स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा किस तरीके से तरक्की कर रहा है, ये तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बताई गई है। आज यमुनानगर में जिला नागरिक अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा तरक्की कर रहा है और सिर्फ यमुनानगर ही नहीं बल्कि 17 जिलों में अब तक 229 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य संस्थान तैयार किए गए हैं। नहीं होता बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है, तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ। उससे उनको लाभ होगा, न केवल यमुनानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने
उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो बीमार आदमी होता है उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा देखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय अगर मैं डॉक्टर्स की संख्या के बारे में बात करूं तो मात्र 750 एडमिशन उस समय एमबीबीएस के होते थे, मात्र 750। और आज सब विस्तार करने के बाद कुछ तो उस समय के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटें बढ़ाई, और कुछ जो नए मेडिकल कॉलेज इस 8.5 साल के समय में जिनका विस्तार होने के बाद जिनको नए भी बनाने का जो हमको अवसर मिला है, आज 1900 और जो डॉक्टर्स हैं उनके एडमिशन होते हैं एमबीबीएस के। और इसके बाद भी अभी 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो या तो निर्माणाधीन है या जिनकी हमने घोषणा की है और उनको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसमें सौभाग्य से एक मेडिकल कॉलेज यमुनानगर का भी है, बाकी स्थानों पर भी है। कैथल में है, उसका भी काम शुरू हो चुका है, जींद में भी काम शुरू हो चुका है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में काम शुरू हो चुका है, पलवल में, दादरी में, फतेहाबाद में इसकी भी हम घोषणा कर चुके हैं। पंचकुला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का बनेगा, एक आयुर्वेद का भी बनेगा। अभी एम्स के नाते मनेठी में जमीन प्रक्रिया सारी करके केंद्र को दी जा चुकी है, बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास हम करने वाले हैं। तो जब ये सभी मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर्स के एडमिशन की संख्या 3000 से बढ़ जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या के बाद ही जो आज WHO का एक मापदंड है कि हर 1000 व्यक्ति पर किसी भी प्रदेश में एक MBBS डॉक्टर जरूर होना चाहिए, उसके अंदर स्पेशलिस्ट वो भी उसमें आ जाते हैं, तो उस नाते से हमको यहां 28000 डॉक्टर आज चाहिए, जबकि आज हमारे पास 12 से 13 हजार सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर के डॉक्टर हरियाणा में हैं। तो इसकी संख्या और इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। नर्सिंग की हमारी नई पॉलिसी ये भी लागू हो चुकी है, तो बहुत से नर्सिंग कॉलेज भी नए खुलेंगे। हमारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले तो रोजगार के नाते इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग करा करके आज इस प्रोफेशन की दुनिया में भी, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी मांग है। हम अपने युवाओं को और उनको भी रोजगार के नाते और सेवा के नाते बाहर विदेशों में भेजने की भी हमारी योजना है, ताकि इसको हम शुरू कर सके। मित्रों, बीमार होने के बाद स्वस्थ करना, उसका इलाज करना, ये एक काम है। इसमें 3 बातें जो जरूरी होती हैं, तीनों पर हमारा ध्यान है, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, और तीसरा जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी हम उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत 550 से ऊपर दवाइयां हमारी हर अस्पताल में लोगों को मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त इलाज योजना। लेकिन एक विषय ऐसा भी है कि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो आयुष्मान जो योजना बनाई है, इस आयुष्मान की योजना, उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा यह कराया गया है। जब ये हुआ तो हरियाणा में संख्या उसकी 15.5 लाख कार्ड बनाने की थी। हमने जब हिसाब लगाया कि ये हरियाणा की जनता को और सुविधा मिलनी चाहिए, ये कार्ड कम है, तो चिरायु हरियाणा बना करके उसके अंदर और एक 14 लाख कार्ड नए जोड़े जाए, ये योजना भी हमने बनाई है। तो अब 29.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको चिरायु और आयुष्मान और चिरायु हरियाणा का लाभ, 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका लाभ होगा। और इसके साथ आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका
चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है तो जो प्राइवेट लैब्स है हम उनके साथ भी कोई समझौता करके, कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे, इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा कर अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है, बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी, आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं, योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सके। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर और एक शब्द आता है उसमें नितकर हितकर मितकर। यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए, व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखा रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सके। और जैसे ये क्षेत्र मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो सरस्वती नदी उस क्षेत्र का नाम है जहां पर योग की, यहां पर वेदों की, जहां पर एक अच्छे संस्कार की पद्धति लागू हुई, उसी के अंदर अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से हमको दवाई से छुटकारा मिलेगा। दवाई में और संकल्प में इतना ही अंतर है कि दवाई बीमार होने के बाद ली जाती है, संकल्प बीमार होने से पहले लिया जाता है। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत से साधन ऐसे हम देखते हैं लोग अपनाते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के साथ आयुर्वेद के बहुत प्रयोग किए हैं, खान पान के बहुत प्रयोग किए हैं, और उन्होंने तो स्वयं एक अपना यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था। हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे, सब कुछ करते थे। हमारे यहां आबोहवा में साफ पानी साफ हवा पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं, विषैला पानी और खास करके ये जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा
अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता, ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांव में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां, वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है, उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय पर सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी के उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर, ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं, और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं, और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर DMD जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग स्थिर हो जाते हैं, कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है, और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी है कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें, इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे, इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट है, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है, कहीं कहीं किसी किसी परिवार को, किसी किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं, ऐसे 8000 पेशेंट को और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, हम बहुत ही गंभीर हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति पहले तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने की योजना बनाएंगे बचपन से लेकर के, और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, और अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करके स्वस्थ करें। स्वस्थ रहने में और स्वस्थ करने में दोनों में अंतर है। आज भले ही मुझे इस अस्पताल या 46 जो प्रोजेक्ट हैं इनकी उद्घाटन के अवसर पर मुझे एक प्रसन्नता हो रही है कि अच्छा इलाज का केंद्र ये बना है,
ये वास्तव में एक उपचार केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये उपचार केंद्र है। उपचार अच्छा हो जाए, लेकिन साथ ही इन केंद्रों पर जो व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो फिर खुशी हमारे कष्ट में भी दुख में भी बदलती है कि आखिर इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें, ये आपके हाथ में है। यानी कोई प्रकार के अस्पताल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सरकार के हाथ में है, लेकिन स्वस्थ रहें ये